पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 29 से रूपचंद सैनी के सुपुत्र राहुल देव वरुण को चुनाव मैदान में उतारा है। क्षेत्र की जनता से अपने पक्ष में वोट करने की और कमल खिलाने के लिए जनसंपर्क करने पहुंचे महापौर विनोद अग्रवाल ने लोगों से बात की, साथ ही सभा करके समर्थन मांगा और भाजपा की योजनाएं गिनाई। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना है तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना जरूरी है, तभी क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है। साथ ही कहा कि राहुल देव वरुण को क्षेत्र में जनता जिताए, यही सभी से अपील करता हूं। देखिए, पिछले दो बार से भी हम लोग पार्षद रहे हैं इस क्षेत्र के। माताजी मेरी दो बार से इस क्षेत्र की पार्षद हैं, तो सब कुछ फेवर में ही है और बहुत प्यार मिलता है और मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, पूरी उम्मीद है। जी, क्योंकि आप युवा हैं और आपके परिवार से ही पार्षद रहे हैं, क्या आपके क्या अलग चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, मैं इसको इस वार्ड को मुझे आदर्श वार्ड के रूप में उभार कर लाना है। वैसे सभी लोगों का दो तीन काम होते हैं जो नियमित रूप से होते हैं, साफ़ सफाई हुई, सड़कें हुई और लाइट की व्यवस्था, लेकिन यही नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई भी प्रदेश से कोई भी अगर योजना आती है, उसका नीचे तक पूरा उन लोगों को मिल जाए, उनको सारी चीज़ें। अपील करना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? कुछ नहीं, बस ये कहना चाहूँगा, क्या बेटा नहीं नेता नहीं बेटा चुने और एक बेटे की तरह प्यार दें। इस क्षेत्रवासियों से सभी से कहना चाहूँगा, क्या समर्थन करें भाजपा का और मेयर की सीट और अपने जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उन सबको फूल का बटन दबा के विजयी बनाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।